वैसा देश वैसा भेष देख कर ये आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सुनाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही गंभीर बातें हैं और सब ने एक ही स्वर में कहा है कि मीडिया हमारी खबरें नहीं दिखाता और हमने काफ़ी दिनों से आंदोलन शुरू किया हुआ है लेकिन उसको गलत रूप से दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं किसानों की जो भी बातें वहाँ हुई उसमें एक बात खास उभर कर आई सामने कि युवा किसानों का धैर्य अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है और वो कुछ सख्त फैसले लेने के मूड में है। अब देखना सरकार कितनी तवज्जो इनकी बातों को देती है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ टिकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ के बीच में जो किसान बैठे हैं उनकी आवाज़ यहाँ तक आप तक पहुँचाने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया है और ये सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये देखिए, ये इतनी उम्र के किसान यहाँ बैठे हैं बहुत ही बुजुर्ग अवस्था में और बहुत दिनों से ये यहाँ देख रहा हूँ मैं इनको। तो आइए आज इनसे मुखातिब हूँ और ये देखिए ये इनके यहाँ डेरे बने हुए हैं। ये अभी बहादुरगढ़ स्थित यहाँ अपने कैंप में बैठे हुए हैं। तो हाँ जी सरदार जी, तुम कितों आए? अभी जिला फरीदकोट पंजाब से शेरखंड। अच्छा, ना की है जी? की ना है थोड़ा? जगरूप सिंह। जगरूप सिंह, ये जगरूप सिंह है। और ये कितने दिन से बैठे हो आप? अभी जनवरी से बैठे, 24 जनवरी तो आए था। अच्छा अच्छा, तो बैठे। तो क्या लग रहा है, सरकार कोई सुनाई करेगी आपकी? करेगी ना करेगी तो मरेंगे इतने। अच्छा, इतने मरेंगे, मुड़ते नहीं। ठीक है। हाँ जी, तुम किन्ने दिन हो? तो ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਕਰੋਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂ? ਫਿਰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਭੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਮੂਡ ਮੈਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਮੈਂ ਇਹ ਯਹਾਂ ਸੇ ਬਗੈਰ ਮੰਗ ਮਨਵਾਏ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਯਹਾਂ किसानों का आंदोलन काफ़ी दिनों से चला हुआ है और इसी कड़ी में ये देखिए किसानों ने अपने यहाँ पक्के ठिकाने बनाकर LED लगा ली है, कूलर चल रहे हैं और ये देखिए ये पंखे भी चल रहे हैं और नीचे ये सीलिंग फैन भी हैं और दूसरे टेबल फैन भी हैं और ये कूलर। और ये देखिए किसान काफ़ी दिनों से यहाँ जमे हुए हैं। तो आइए आज रूबरू होता हूँ मैं इन किसानों से और हमारे साथ हैं यहाँ विभिन्न गांव के किसान जो जिला सिरसा फतेहाबाद हिसार कई जिलों से हैं। तो आइए मैं एक युवा किसान नेता से बात करूंगा, विक्रम डाटा, जो कि शुरू से ही यहाँ जमे हुए हैं और आंदोलन में पूरी तरह से सक्रिय हैं। तो आइए आज उनसे मुखातिब हूँ। हाँ तो संदीप डाटा, आपका संदेश में आपका स्वागत है। आपका संदेश का धन्यवाद करना चाहता हूं मैं दैगर से, जो बार बार पहले भी आपने समय दिया हमारे को। तो और किसानों की अब तक कोई सुध नहीं ली गई है सरकार की तरफ से, तो अब आपका क्या कहना है इस बारे में? सुध तो ये मीडिया टोटली जो बोलते थे चौथा स्तंभ वो सारा बिक चुका है ऑलरेडी, ये सब ने पता भी है। बाकी कितने दिन तक है सहन शक्ति देख रहे हैं नौजवान भी, अब एक एक चीज को ये, क्योंकि फोनों के अंदर इन्होंने जो फोन के अंदर ही इन्होंने नौजवान युवा बच्चों के दिमाग से निकाल दिया था ये जय श्री राम, इस तरीके का पाखंड। वहां देख प्रधानमंत्री तक भी इस तरीके के पाखंडी लोग हैं जो देश में, एक क्रिमिनल लोग टोटली जो अंदर हैं, तो सरकार तो हम मानते ही नहीं। क्योंकि वो रिक्वेस्ट PM साहब और ये साहब ये लगाने तो हमने शुरू दिन से तो हमने बात करी थी, भाई PM है ये है। आज एक टोटली एक प्राइवेट कंपनी है जो कि हमने आज कोई खोप नहीं है, जो ये बोलते हैं ना भाई गवर्नमेंट है फलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी ये आज के दिन एक गुलाम किसान भारत है, जो किसान है आज के दिन पूरा ऑलरेडी गुलाम हो चुका है देश। और आज एक युवा है जो, और युवा युवा नहीं, आज एक नारी शक्ति
मेरे हरियाणा पंजाब की इतनी है जो युवाओं से भी आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, जो हर टाइम किसी टाइम भी बोल रहे हैं। तो आज के टाइम पे तो हमने ये पूरी लड़ाई जो कंप्लीट लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये विक्रम डाटा है, युवा नेता है, काफी जोशीले हैं, और शहीद भगत सिंह युवा दल के ये नेता हैं, तो ये काफी क्रांतिकारी भी हैं और इन्होंने शुरू से लंबी लड़ाई लड़ी है। तो अब ये कुछ और बताना चाहते हैं तो पूरा सुनिए। हमारे दादाजी भी सुभाष चंद्र बोस में दो थे गांव से शेर, जो 10 साल बाद गांव में वापसी आए थे। तो वो INA के मेंबर थे, इनके उस खानदान से ये ताल्लुक रखते हैं। इनके दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, क्रांतिकारी गांव हमारा शुरू दिन से ही रहा है। बाकी आज भी पूरे गांव ने तन मन धन से 15 मण दूध सुबह और 15 मण लस्सी हर रोज सुबह 11 बजे गाड़ी आ जाती है 813 नंबर पिलर के ऊपर। तो ये संदीप डाटा की तरह ये विक्रम डाटा थे और इन्होंने ये बताया है कि भाई रोजाना यहाँ दूध लस्सी आ जाती है और खाद्य सामग्री कोई कमी नहीं है, और डाटा गांव शुरू से ही बढ़ चढ़ कर भाग लेता रहा है। वैसे तो यहाँ पंजाब हरियाणा का काफी सक्रियता दिखा रहे हैं लोग, लेकिन जिसमें मसूद पर डाटा और सिसाए के लोग भी और खासकर कन्नड़ी समय उधर से सिंगवा मतनेड़ी, ये कुछ गांव ऐसे हैं जो मखंड है, ये भी ये कुछ गांव ऐसे हैं जो शुरू से ही लगातार ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कर रहे हैं। और ये तो हमने समय इसलिए लगा दिया जी यहाँ पे, ये सिर्फ जो एक कोरोना बीमारी का एक बीमारी दिखा रखी थी ना, इस वजह से समय दिया है हमें, हमने यहाँ पे ये 4 महीने का 5 महीने का जो समय दे रहे हैं देश को दिखाने के लिए वे कौन सा कोरोना है, जो इन्होंने एक साइकोलॉजी लोगों के अंदर ये ड्रैगन है वे कोरोना कोरोना कोरोना, जिसके अंदर एक आज एक मध्यम वर्ग का तो आदमी वैसे ऑटोमेटिक खत्म हो चुका है, जो आज के दिन स्थिति ऐसी है जो बेरोजगार हो चुके हैं लोग। तो ये विक्रम भाई, ये कोरोना को एक महामारी का रूप बताया जा रहा है और इसमें मौतें भी बहुत हुई हैं, तो क्या आप मानते हैं इसका कोई असर? जो कोरोना मरीज है ना, ओपन चैलेंज बात करा जमींदार के बाड़ा गांव में, कोई डॉक्टर भी नहीं आ, हम जीभ का जीभ लगा के ना बात करांगे। 500 मौसम है इस देश के अंदर और ऐसी ऐसी जड़ी बूटी है, कौन से डॉक्टर है यहाँ तो आरक्षण दे के ना, डॉक्टर भी डर लग गया हमने तो कदम आरक्षण वाला ना हो, कौन सी शिक्षा दी है इस देश को? सिर्फ इस देश के अंदर लूटा गया है, चाहे वो कोई भी पार्टी आई हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे एक क्षेत्रीय पार्टी रही हो, आज के दिन इसको एक किसान की आवाज, एक किसान है भाइयों, नहीं कोई पार्टी नहीं है। जब तक ये इनके अंदर, जब तक ये एजेंट इन हमारे अंदर घूमेंगे, हम इनको देख रहे हैं एक एक को, कौन आदमी कहाँ तक है, कभी केजरीवाल को आके लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई किसी को देख लो, अब अनाज भी देख लो, एक दाना भी अगर जो गवर्नमेंट के खाते में गया हुआ मिल जाए, ये भी सारा एक फ्रॉड है जो आज किसानों के ऊपर ये डाल रखे। अभी किसानों में बैंकों में पैसा काटना चालू कर दिया है, जिसके मान ले लोन वगैरह ले रहे थे ना जो भाई, तो इन्होंने जो अभी खाते के अंदर जो पेमेंट वाला जो सिस्टम डाल रखा है, ये भी देख लेना अब किसानों में आवाज तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाई दे रहे, जा रहे इन्हीं में तो ये दिखा रखा है जय श्री राम कोरोना, जय श्री राम कोरोना, जबकि कौन सा जय श्री राम है? जय श्री राम भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ जी खुल के, अगर जो आप दिखाना चाहते हो तो जय श्री राम, श्री राम एक थाईलैंड का राजा था हमारे देश में, दिखाओ कौन सा राजा था, कौन सी अयोध्या थी, ये सब एक पाखंड हुआ इस देश के अंदर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। शिक्षा इस देश में आज से ना पहले दिन से रही है और ना उससे बाद में आज तक भी, आज एक किसान आदमी कौन सा डॉक्टर बना लेगा, कौन आदमी है जो डॉक्टर बना लेगा, जबकि एक कृषि कार्ड का लोन नहीं पट रहा था इस जमींदार पे, 5-7 किल्या का जमींदार पे, तो कौन सा डॉक्टर बना देगा वो? तो ये विक्रम भाई, ये स्कूल कॉलेज कई दिनों से बंद है, स्कूल कॉलेज फीस नहीं बंद हो रही थी, ये फीस छीन रहे हैं, जब शिक्षा बंद कर रखी है 1.5 साल से, तो किस चीज की फीस ले रहे बच्चों से? फोन का है एस्टीमेट जुगाड़ है, जो मान ले बच्चा जो बोल रहे हैं भाई, मान ले गरीब बच्चा कहाँ से फोन ले गया एंड्रॉइड, ठीक है एक आदमी ले आए, दो वाले आए, ये तो देखो ना फोन सुविधा देते हैं कुछ तो, अगर जिन्होंने ऑनलाइन का ही सिस्टम था तो इतना तो कुछ बैकअप तो देते ही है, ऑनलाइन पढ़ाई है तो इस तरीके का सिस्टम है, तो आज कौन बच्चा है, शिक्षा तो बिल्कुल खत्म है, जब 10वीं 12वीं तक कोई मान ले फाइल पास का सिस्टम ही नहीं रहा है, तो ओनली लेबर बनानी थी इन्होंने और पूरी तरीके से देश को बर्बाद करके गुजराती भाइयों ने छोड़ दिया, ओनली एक प्राइवेट कंपनी है भाइयों, ये कोई सरकार नहीं है,
अगर जो कोई सरकार का वहम मान रहे हो ना, ये ओनली प्राइवेट कंपनी, कोई प्रधानमंत्री नहीं, सिर्फ ईवीएम का प्रधानमंत्री है ये। जबकि यहाँ पे बोलते हैं ना बंगाल के अंदर ममता ये वो, ओनली मीडिया है ये भी, जिसके अंदर चाहे वो सारा उसमें कुछ भी कोई भी गवर्नमेंट हो, सारा कॉम्प्रोमाइज चला हुआ है। इनका आंकड़ा ये एक ही किताब के सारे वही आदमी है, उसी के अंदर वो डलजे है, उसी के अंदर वो डलजे है। 74 साल से ये सिस्टम के अंदर जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक देश में बदलाव नहीं होगा भाइयों, ये सच्चाई है हमारी। सिस्टम में बदलाव जब तक नहीं होगा, चाहे अपने गांव में सरपंच से लेके चल लो आप, जिस आदमी के पास 2 लाख रुपए जिसने कभी इकट्ठा नहीं देख रखा है, पूरे गांव की चाबी है, चोर उसको संभलवाते हैं, तो हमारे समाज से यहाँ से वहां से लेके ना ऊपर तक, चाहे वो कोई भी महकमा हो। अब विक्रम जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश है उठो और जागो। और देश की जो भगत सिंह की जो विचारधारा थी उसके ऊपर ये था, जब तक अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तब तक हमारे सिस्टम में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि देश ये जय जवान और जय किसान का है, और इस देश के अंदर शोषण सरूजन से जय जवान और जय किसान और इस मजदूर का शोषण हुआ है। आज तक इस देश के अंदर जो भी मान ले कारपोरेट से किसी जगत में भी देख लो आप, इसके अंदर सारा बाजार बाजार बाजारू लोग हैं ये। कोई भी अगर से आदमी एक भी देश हित की बात अगर से 1% भी आदमी किसी के दिमाग में हो तो निकाल के देख लो आप, पाखंडवाद पूरे देश के अंदर। हाजी सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल। हां किथों आए जी? जिला फतेहाबाद पिंड मंगेड़ा। अच्छा, ना की है जी? दर्शन सिंह पन्नू। हाँ, तो पन्नू साहब, ये आपका कितने दिन से आप बैठे हो यहाँ? जिस दिन का आंदोलन चल रहा है उस दिन का यही है। अच्छा अच्छा, तो कितने दिन तक और रहने की उम्मीद है? जिन्ना चर जिमीदारा का हल मसला नहीं हुंदा पूरा उन्ना चर जानते नहीं। अच्छा, तो आजकल कोरोना फैले हुआ आपको डर नहीं लगता? कोई डर नहीं, जो गवर्नमेंट सानू का डर है, कोरोना है ही नहीं। अच्छा, तो इनका मानना है कि यहाँ कोई कोरोना वरोना नहीं है, और सरकार आपकी बात सुन नहीं रही, इसमें क्या लगता है आपको, मान लेगी सरकार? मान लेगी तो ठीक है, नहीं हम तो जाएंगे नहीं, इतना देर मानती नहीं है। तो ये सरकार जी बड़े ओके हैं, एक युवा किसान नेता भी हमारे साथ हैं। हाँ, तो जी सरदार जी की नाम है? गुरकरण सिंह जी। हाँ गुरकरण सिंह जी, आप भी कई दिन से दिख रहे हो यहाँ। हाँ जी। अच्छा, तो आगे क्या लगता है आपको, सरकार मानेगी? बस जी, ये सरकार मान गई तो ठीक है, ये नहीं मनी तो उरी बैठे हैं, धरना तो कायम ही रहूगा ये। अच्छा अच्छा, तो फसल का क्या आजकल है, फसल कौन संभाल रहा है? फसल ही ला लो भी हुण वाढ़ी शुरू हो गई है, पिंड वाले रल मिल के वाढ़ी करी जाते हैं, जेडे उरे आ उन्हां दी पिंड वाले कराई जाते हैं, ते जेडे उत्थे आ उहदा आपदी करी जाते हैं, बाकी उरे थोड़े दिनों तक होर बंदे आउणगे जी। ठीक ठीक, तो इनका मानना है, देखिए ये बहुत दूर से आए हैं और इनका मानना है कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जांच शिविर है स्वास्थ्य विभाग अभियान के तहत, ये दफ्तर बना रखे हैं और ये टाइम पास करते हुए किसान आंदोलनकारी, ये देखिए ये पूरी तरह से अपना टाइम पास करते हुए, ये डेरा, यहाँ खाने पीने का प्रबंध, ये रसोई बना रखी है, और ये देखिए ये पानी की सेवा करते हुए सरदार जी। बनाओ जी बनाओ। वाह जी वाह। अरे संयुक्त किसान मोर्चा बैसाखी मेला यहाँ मनाया गया, और यहाँ भारी भीड़, यहाँ ये देखिए आगे भी इसी तरह भी, ये यहाँ मेट्रो का लिंक है ऊपर, ये देखिए कहने को तो काम का समय है लेकिन भीड़ अब भी यहाँ कम नहीं है। देखिए बारी बारी से किसान यहाँ अपनी हाजिरी देते हुए, और दूर दूर से यहाँ हरियाणा पंजाब के किसानों का जमावड़ा उसी तरह, ये देखिए लंबे जाम लगे हुए, और यहाँ ये जो लिंक बना हुआ है मेट्रो का, ये दूर तक यहाँ किसानों के ठिकाने, और ये देखिए ये पिंड शाहपुर कला, ये देखिए इन्होंने भी यहाँ पूरा ठिकाना अपना बना रखा है, इसके अंदर जाके देखिए ये बैठे हैं किसान, ये मेट्रो का ये दूसरी लाइन आ गई इधर,
और एक वो लाइन है दरगाही ग्रीन लाइन, ये देखिए किसानों के पूरे ये रोड गया इधर बहुत दूर तक, यहाँ किसान बैठे हुए ये देखिए। ये दूर दूर तक इस रूट पर ये बाईपास है, इस पर भी पूरा कब्जा किसानों का ये देखिए। और ये ऊपर लिंक दोनों साइड में, यहाँ मेट्रो की लाइन दोनों साइड इसके नीचे किसान, और ये देखिए और भारी संख्या में यहाँ किसानों का आवागमन, और ये देखिए यहाँ ये बहादुरगढ़ शुरू होती है, हरियाणा बॉर्डर आ गया है। ये किसान आते हुए और ये देखिए, और यहाँ एक स्लोगन लिखा है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, ये लिखा है जीतेंगे या मरेंगे ब्याणा खेड़ा हिसार, मरते जाएंगे फूकते जाएंगे उठा नहीं हटा जाएगा, ये इनका स्लोगन है। और ये ब्याणा खेड़ा ये शहीद भगत सिंह और सरस्वती राम के ये फोटो लगे हुए, और इधर देखिए ये इस तरह के स्लोगन बने हुए, और ये डेरे और ये पौधे यहाँ लगा रखे हैं उन्होंने, अपनी पार्किंग भी बना रखी है, और इनके अंदर किसान बैठे हुए हैं ये देखिए, ये ठिकाने इन्होंने बना रखे हैं। अरे ये नौजवान इस तरह ट्रॉलियों में यहाँ चलते हुए, ये देखिए किसान मजदूर एकता जिंदाबाद पिंड मंगेड़ा गोहना फतेहबाद, ये देखिए।